गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 BLM, श्री विजयनगर। इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है 1857 की क्रांति। आज हम 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम और इसकी प्रगति क्या रही थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति। यह क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। इस क्रांति का तत्कालीन जो कारण था, चर्बी लगे कारतूसों की घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप यह क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों की दमनकारी अत्याचारपूर्ण नीति, शोषणात्मक नीति के कारण भारतवासियों में तीव्र आक्रोश फैल चुका था। अतः 1857 में विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर भारतवासियों ने अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करना शुरू किया था। विद्रोह के कारण अत्यंत मूढ़ थे, जो पिछले 100 वर्षों के इतिहास में निहित थे। सैनिक असंतोष और चर्बी लगे कारतूसों ने चिंगारी का कार्य किया था और 1857 का विस्फोट हुआ था। 1857 की क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और तत्कालीन कारण रहे थे। सबसे पहले 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। एक पर है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण पहला है लॉर्ड मोर्जी की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड मोर्जी की साम्राज्यवादी नीति नीति। तो लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण भी रहा है। उसकी देशी राज्यों के प्रति अपहरण की नीति से सभी राज्यों में असंतोष व्यापक था। उसकी इस नीति से सभी देशी राज्य आतंकित थे। लाल डलहौजी ने गोद निषेध नीति लागू की थी, जिसके अनुसार उसने सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, संबलपुर, बघार, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिला लिया था, जिससे भारतीय नरेशों में तीव्र आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और वे अंग्रेजों के प्रबल विरोधी बन चुके थे। सतारा, नागपुर के अपहरण से वहां के मराठा अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। इसी प्रकार अंग्रेजों ने झांसी की रानी को भी अपना प्रबल शत्रु बना लिया था। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां भी समाप्त कर दी थी। उसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था, जिससे अवध की जनता में भी आक्रोश की भावना भर चुकी थी। तो इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय शासकों में आक्रोश की भावना फैल चुकी थी और वे अनुभव करने लगे थे कि इनकी रियासतों को कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय नरेशों में
अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो चुकी थी। यही कारण है कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। नंबर दो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। नंबर दो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को अपदस्थ कर दिया और अवध साम्राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इस प्रकार अवध का विलय 1857 की क्रांति का एक कारण बना। कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश सरकार ने अवध को 1856 में अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, जिससे कि अवध की जनता में भी आक्रोश की भावना ब्रिटिश सरकार के प्रति भर चुकी थी। नेक्स्ट है नाना साहब की पेंशन बंद करना। नेक्स्ट है नाना साहब की पेंशन बंद करना। जानी जाती है तो नाना साहब की पेंशन बंद करना 1857 की क्रांति का एक राजनीतिक कारण रहा है। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। 1852 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की 8,00,000 रुपये की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। उसकी बिटू की जागीर भी उसे छीन ली गई थी। लॉर्ड डलहौजी की इस कार्यवाही से नाना साहब में तीव्र आक्रोश फैल चुका था, अतः उन्होंने भी विद्रोहियों का ही साथ दिया। नेक्स्ट है जमींदारों में असंतोष की भावना। जमींदारों में असंतोष की भावना। अंग्रेजों ने अनेक जमींदारों की जमीनें जब्त कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदार वर्ग भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। बंबई के इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त की थी। इस प्रकार अवध में भी अनेक जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी। तो इस प्रकार जमींदार वर्ग को अपनी जागीरों एवं आय से हाथ धोना पड़ा था। इससे जमींदार वर्ग भी अंग्रेजों का विरोधी हो गया और वह भी विद्रोहियों से जा मिले। तो इस प्रकार अंग्रेजों की नीति के खिलाफ जमींदार वर्ग में भी आक्रोश की भावना भर चुकी थी। नेक्स्ट है मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार। मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार। मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के प्रति भी अपमानजनक व्यवहार किए जाने से मुसलमान वर्ग में भी तीव्र आक्रोश की भावना भर चुकी थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुगल सम्राट बहादुर शाह को यह चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु के पश्चात बादशाह की उपाधि समाप्त कर दी जाएगी और उसके उत्तराधिकारी को लाल किला खाली करके कुतुब मीनार के निकट रहना पड़ेगा। मुगल सम्राट की पेंशन भी 1,00,000 रुपये के स्थान पर
15,000 रुपए मासिक कर दी गई थी। भारतीय मुसलमान इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे, अतः वे मुगल सम्राट के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखना अपना कर्तव्य मानते थे। अतः मुगल सम्राट की इस प्रकार की कार्यवाही मुसलमानों के लिए असहनीय थी। यही कारण है कि मुस्लिम जनता में भी ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह की भावना भड़क उठी। तो इस प्रकार मुगल सम्राट के प्रति ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपमानजनक व्यवहार किए जाने से मुस्लिम जनता में भी तीव्र आक्रोश की भावना फैल गई। नेक्स्ट है दूसरी शासन व्यवस्था। दूषित शासन व्यवस्था। उस समय ब्रिटिश सरकार की शासन व्यवस्था भी भ्रष्ट थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना फैली हुई थी। प्रशासन में केवल उस समय अंग्रेजों का ही बोलबाला था। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट में घोषित किया गया था कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के योग्यता के आधार पर भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाएगा, परंतु अंग्रेजों ने इस नीति का पालन नहीं किया। अंग्रेजों को भारतीयों की योग्यता और ईमानदारी पर विश्वास नहीं था, अतः कुछ पदों पर केवल अंग्रेज जाति के लोग ही नियुक्त किए जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित भारतीयों में आक्रोश की भावना भर कर चुकी थी। जन साधारण के साथ भी अंग्रेजों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उनमें भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। अंग्रेजों ने भारतीय समस्याओं को समझने और भारतीयों से मेलजोल बढ़ाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। प्रशासन केवल अंग्रेजों के हितों की रक्षा करना ही अपना मुख्य कर्तव्य मानता था। इस कारण भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना फैली हुई थी। नेक्स्ट है दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। तो इस प्रकार अंग्रेजों की न्याय प्रणाली भी दोषपूर्ण थी, पक्षपातपूर्ण थी, भ्रष्ट थी। भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। अतः अंग्रेज अपराध करने के बावजूद भी नाम मात्र का दंड देकर बरी हो जाते थे। निर्धन व्यक्ति इस कारण असंतुष्ट थे कि उन्हें व्यर्थ में ही मुकदमों में धन और समय उनका नष्ट हो जाता था। यदि एक छोटा सा किसान भी किसी भी जमींदार की शिकायत करता था तो जमींदारों को न्यायालय में जाना पड़ता था। तो इस प्रकार सम्मानित व्यक्ति भी अंग्रेजों की इस न्याय प्रणाली से असंतुष्ट था। स्पष्ट है कि अंग्रेजों की न्याय प्रणाली दुष्ट थी, पक्षपात पूर्ण थी, भ्रष्ट थी, जिससे भारतवासियों में आक्रोश की भावना फैल गई थी। नेक्स्ट है भविष्यवाणी। नेक्स्ट है भविष्यवाणी। तो उन्हीं दिनों एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का राज्य 100 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 1857 तक भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को लगभग 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, क्योंकि प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना की थी। इस भविष्यवाणी से भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि वे अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देने में
सफल हो जाएंगे। तो भविष्यवाणी से प्रोत्साहित होकर ही भारतवासियों ने विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक कारणों से जमींदारों में, भारतीय नरेशों में, मुस्लिम प्रजा में, शिक्षित वर्ग में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना फैल चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था। संक्षेप में 1857 का विद्रोह एक झलक है। केंद्र और विद्रोही नेता के नाम, दिल्ली में विद्रोही नेता बाबू शाह और जाफर वक्त रहे थे। 1857 की क्रांति का विद्रोह एक झलक में केंद्र और विद्रोही नेता के नाम, दिल्ली में बाबू शाह और जाफर वक्त ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। कानपुर में नाना साहब और सांते लोके विद्रोही नेता रहे थे, जबकि लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोही नेता के रूप में सामने आई। झांसी में और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तांते लोके रहे। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांते लोके रहे। जगदीशपुरा में कुंवर सिंह अमर सिंह रहे विद्रोही नेता, जबकि फैजाबाद में मौलवी अहम मुल्ला रहे। इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर विद्रोही नेता के रूप में सामने आए थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया था। तो आइए अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण कौन से थे। 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण के पश्चात आइए हम देखते हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण। इसमें पहला है भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखना। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखना अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज अपने आप को उच्च नस्ल का मानते थे और ये भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, इन्हें हीन मानते थे। भारतीयों के प्रति इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं था, अर्थात अंग्रेज भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। अंग्रेज भारतीयों को स्थान स्थान पर अपमानित किया करते थे। उच्च वर्ग के लोगों की संपत्ति, जागीरें, उपाधियां आदि छीन ली गई थी, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात लगा। अंग्रेज भारतीय महिलाओं के सम्मान पर आक्रमण करते थे, इन्हें अपमानित करते थे। इसी कारण भारतीयों में तीव्र आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। तो इस प्रकार अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, इन्हें हीन मानते थे, स्वयं को उच्च नस्ल का समझते थे और भारतीयों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसके कारण भारतवासियों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। नेक्स्ट है रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष। अंग्रेजों ने कन्या वध, सती प्रथा, बाल विवाह आदि को बंद करने के लिए अनेक कानून पारित किए, इन्हें अवैध घोषित कर दिया था। इससे रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष की भावना
घर घर के, क्योंकि वे परंपरागत सामाजिक नियमों में अंग्रेजों का किसी प्रकार से हस्तक्षेप सहन करने को तैयार नहीं थे। जब लाल डलहौजी ने रेल डाक और तार आदि की व्यवस्था की तब भी भारतीयों में आक्रोश की भावना फैली, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति भारतीयों पर थोपना चाहते हैं। इस कारण रूढ़िवादी भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई और इन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है भारतीयों से दुर्व्यवहार। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेजों का व्यवहार भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं रहा। अंग्रेज भारतीयों को उच्च हीन मानते थे, इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते थे। भारतीय प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते थे। वे अंग्रेजों के साथ उठ बैठ भी नहीं सकते थे, न ही उन्हें किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेने का अधिकार था। यूरोपियन होटलों क्लबों पर साफ लिखा होता था कि भारतीय कुत्तों के लिए प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार भारतीयों के साथ अंग्रेजों के द्वारा अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, जिस कारण भारतवासियों में तीव्र आक्रोश की भावना फैल चुकी थी। इसके अलावा किसी भी अंग्रेज के बाजार से गुजरने पर प्रत्येक भारतीयों को झुककर सलाम करना पड़ता था। तो इस प्रकार ऐसा न करने पर भारतीयों को कठोर दंड दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना घर कर चुकी थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष की भावना फैल गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का उपहास। भारतीय संस्कृति का उपहास। भारतीय संस्कृति का उपहास। अंग्रेजों को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व था। वे भारतीय संस्कृति सभ्यता को निम्न स्तर का मानते थे। वे राम रहीम और मोहम्मद को खुलेआम गालियां देते थे। मूर्ति पूजा का उपहास अंग्रेजों के द्वारा उड़ाया जाता था। भारतीयों के रीति रिवाजों को भी अंग्रेजों ने निकृष्ट निम्न श्रेणी का बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। भारतीयों के रीति रिवाजों को अंग्रेजों द्वारा निकृष्ट हीन बताया जाता था, इसके परिणाम स्वरूप ही इनमें तीव्र आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली शुरू की थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही असंतुष्ट थे। भारतीयों ने यह समझा कि अंग्रेज पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इन्हें ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अतः भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध करना शुरू कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप भारतीयों में तीव्र आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने अंग्रेजों के प्रति विरोध का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति के निम्नलिखित सामाजिक कारक उत्तरदायी रहे थे, जैसा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखना, रूढ़िवादी भारतीयों में
प्रारंभ करना, जिसके कारण भारतवासियों में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। तो आज इतना ही, कल हम फिर से हाजिर होंगे। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालीन कारण और इस क्रांति के क्या परिणाम रहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।